रुकड़ते खबर का, सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज हड़ताल का तीसरा दिन है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जयपुर शहर की साफ सफाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांगे तो मान ले और साथ ही सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज को वरीयता दी जाए, मस्ट रोल के आधार पर भर्ती की जाए। इसको लेकर आज हेरिटेज नगर निगम कार्यालय से मुख्य बाजारों से होते हुए विधानसभा एक बड़ी रैली के साथ पहुंचेंगे। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। साल दो साल के लिए सरकार मस्ट्रोल पर भर्ती करे सफाई कर्मचारियों की, और उस पर हमें किसी अन्य जातियों से कोई परहेज नहीं है। वो भी आए चाहे लगे मस्ट्रोल पर, लेकिन साल दो साल प्रैक्टिकल करे हमारे साथ, कंपटीशन में उतरे, उसके बाद स्थायी हो साल दो साल बाद। पहली मांग तो ये। दूसरी मांग, जो हमारे सफाई कर्मचारी वर्षों दैनिक वेतन पर, मस्ट्रोल पर, ठेके पर, प्लेसमेंट संविदा पर जो काम करते थे, जो 2012 और 2018 की भर्ती में अब नियुक्ति होने से वंचित रह गए, वो वंचित होने के कारण जिन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली, वहाँ से निर्णय उनके पक्ष में आ गए, उन लोगों को नियुक्तियाँ 7-8 साल बाद भी नहीं दी जा रही है। ये घोर लापरवाही का द्योतक है। कल के लिए हमारे विरोध प्रदर्शन है, कल हेरिटेज मुख्यालय पर, यहीं पर जलेबी चौक से हम लोग रवाना होंगे और त्रिपोलिया गेट से निकल के बड़ी चौपड़ के चक्कर लगा के त्रिपोलिया बाजार से निकल के छोटी चौपड़ और छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट जाके हमारा जुलूस संपन्न होगा। ये विरोध प्रदर्शन और जनता को हम अवगत करा रहे हैं इस बात के लिए कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं और सरकार के राजस्व को भी बचाना चाहते हैं। मस्ट्रोल पे भर्ती होने का मतलब है सरकार का राजस्व भी कम होगा, जो वेस्टेज करोड़ों रुपया फालतू की तनख्वाह इनको सफाई कर्मचारी के पद पे जो नौकरियां लग गए उनको दे रही है सरकार, वो पैसा भी बचेगा। आधे पैसे में अच्छी सफाई होगी, जनता की सेवा अच्छी होगी और जो लोग काम करेंगे वही लोग रोड पर टिकेंगे। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। सरकार को मैं तो चेतावनी देना चाहूँगा, मत सताओ गरीब को, मत सताओ वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि समाज रो देगा। अगर वाल्मीकि समाज रो देगा तो भाजपा सरकार को जड़ों से खो देगा। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये सेवादार करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हैं वाल्मीकि समाज, अब सफाई का काम करती है, गंदगी को उठाने का काम करती है, बड़ी बड़ी बीमारियों को बचाने का काम करती है। कोरोना काल में लोग घरों के अंदर थे, पर तो हमारी बहन बेटियां, छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग इस बीमारी से बचाने के लोग काम कर रहे थे। जो लोग कोरोना काल के अंदर डेथ हो गई थी उनको जलाने का काम भी वाल्मीकि समाज के बच्चों ने, बहन बेटियों ने किया था। ऐसे समाज को आपको मान और सम्मान। झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने भीमसर गांव में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शहीद फारूक अहमद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में 19 शिकायतें मिली। कलेक्टर ने ग्रामीणों से पेयजल, विद्युत, राजस्व, शिक्षा सहित अनेक समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। खैरथल तिजारा कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने रिको गेस्ट हाउस स्थित सभागार में बैठक ली। कलेक्टर ने रिको यूनिट द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही पौधारोपण भी किया। कलेक्टर ने भिवाड़ी में आने वाले मुख्य मार्गों पर साफ सफाई और सौंदर्यकरण करने के निर्देश भी दिए। नीमका थाना पाटन के शहीद कल्याण सिंह के परिवार ने पूर्ववर्ती सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह के पुत्र ने बताया कि मेरे पिताजी के शहीद होने के बाद तत्कालीन सरकार के प्रतिनिधि ने शहीद परिवार को एक पेट्रोल पंप आवंटित करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन पिछले एक दशक से परिवार को कोई पंप आवंटित नहीं किया गया। बेटे ने सरकार से जल्द वादों को पूरा करने की गुहार लगाई है। बचपन से ही हमें हमारी माता जी ने हमारे पिताजी की साहस, शौर्य, वीरता की कहानी बताकर ही बड़ा किया है। माताजी ने बताया कि पिताजी कारगिल युद्ध विजय होने के बाद आने ही वाले थे, लेकिन 13 अगस्त 1999 को वो
उदयपुर जिले के झाड़ौल उपखंड मुख्यालय पर स्थित सीएचसी में डॉक्टर्स के ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहने पर मरीजों के परिजनों ने हंगामा किया। दरअसल महिला को सांप से ने डस लिया था और परिजन महिला को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन मौके पर डॉक्टर्स नहीं मिलने से नाराजगी जताई गई, जिस पर सभी डॉक्टर्स के क्वार्टर पहुंचे, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर नशे में धुत होकर सोया मिला, जिसको देख मरीजों के साथ आए परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। करौली के हिंडौन सिटी में क्षेत्र की ग्राम पंचायत बछेड़ा के लीलोटी गांव में बच्चों और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला झड़ दिया है। आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डेपुटेशन पर लगा शिक्षक लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहा था, आपको बता दें, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमारे गांव के स्कूल में टीचर है ना, काफी टाइम काफी समय से ना स्कूल में आ नहीं रहा है, बच्चों को उससे ना शिक्षा प्रभावित हो रही है। पहले भी उसके लिए तालाबंदी की थी हमने, वो टीचर एक दो दिन के लिए आया था, फिर वापस चला गया है, और दो तीन बार है ना ऊपर तक है ना एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसके संदर्भ में ताला लगाया। बारा जिले के अंता में नगर पालिका के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि पालिका बोर्ड की बैठक में स्टेडियम में दुकानों के लिए भूखंडों की नीलामी का विरोध किया गया। मामले में कांग्रेसी पार्षद द्वारा हंगामा करते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया गया, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। स्टेडियम में जो दुकानें बनाने के लिए अनुमोदन लिया जा रहा है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते। राज्य सरकार राजस्थान में कहीं भी स्टेडियमों में व्यवसाय के लिए दुकानें नहीं खोली गई है ना बेची गई है, जबकि पालिका को स्टेडियम का विकास करना चाहिए, न कि उसको बर्बाद। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के स्वरूपगंज हाईवे पर कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर घायल हो गए थे, जिसको समाज सेवी ने निजी एम्बुलेंस की मदद से स्वरूपगंज अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर होने से उन्हें अधिक उपचार के लिए पालनपुर रेफर किया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन शव को लेकर स्वरूपगंज अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस हादसे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। झुंझुनू के धनौरी थाना इलाके के हमीरी कलान गांव में ई मित्र की दुकान से कंप्यूटर प्रिंटर सहित अन्य सामान चोरी का मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दौसा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गीजगढ़ में 2015 में लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाई गई थी। अस्पताल में आने वाले मरीजों परिजनों को ठहरने की व्यवस्था के लिए धर्मशाला बनाई गई थी, लेकिन अब तक इसका संचालन शुरू नहीं किया है। ऐसे में लोगों की मांग है कि अगर धर्मशाला शुरू होती है तो लोगों को इससे फायदा मिले। खबर चुरू के सुजानगढ़ से है, जहां चाकूबाजी की घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कस्बे के नेकनगर में बच्चों की बात को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ा और चाकूबाजी की गई। मोहल्लेवासियों ने घायलों को राजकीय टांटिया अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर बीदासर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस ने तीन लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। भीनमाल के जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ वाइस प्रिंसिपल कोमल कत्याल के दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एबीवीपी के जिला संयोजक पंकज माली ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीनमाल इकाई द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव प्रवेशार्थी छात्र छात्राओं हेतु प्रवेश सहायता के लिए हेल्प डेस्क लगाकर सहायता की जा रही थी। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर शिप्रा रानी द्वारा कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर हेल्प डेस्क हटाने को कहा, जिस पर जब कार्यकर्ता प्रिंसिपल चैम्बर में वार्ता करने के लिए गए तब वाइस प्रिंसिपल कोमल कात्याल ने धक्का मुक्की की। वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी।
प्रश्नकाल हो गया। अब मैं मुझे भी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर आप बैठना, आपको बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आप बैठिए। मैं अरे दो मिनट मुझे कुछ कहना है। मैं आज माननीय सभी सदस्यों से बार बार रोज आग्रह कर रहा हूं, वेल में ना आए। आज जो भी वेल में आए माननीय मंत्री जी को कहूंगा उसे संज्ञान लें, और उसके बाद आवश्यकता पड़े तो आप उनके लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बोलिए क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आवश्यकता पड़ी तो यह भी करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी आप कृपा रखो, नाराज मत हो, निवेदन इतना सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप पधारे, अच्छा लगा आप सदन में आए। ये बैठे बैठे बोलने की इजाजत आपने दी है क्या अध्यक्ष जी? अब बोले भाई, बोलने दीजिए। आज आप सदन में आए, अच्छा लगा। और भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा सदन में बैठते थे, और अगर चीफ मिनिस्टर सदन में आता है सदन की गरिमा भी बनती है। आप आज आए और आपने देखा भी, हम कोई आपके मंत्रियों पे कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा भी मंत्रियों के उत्तर आपको सुनने चाहिए तो हम सुन रहे हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हमने लगाया है उसका आंसर हमको मिले, घुमा फिरा के जवाब उसका नहीं दिया। आज जो बाजरे की खरीद की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं, श्री अन्न की इसको उपाधि दी है, आपके खुद के घोषणा पत्र में ये था कि हम बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद करेंगे, और उसी को लेकर माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रही है। पहला क्वेश्चन नहीं, इससे पहले भी लगे, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। हम तो ये चाहते थे कि मंत्री का जवाब आए कि हमारे घोषणा पत्र में है और हम अब की बार बाजरे की खरीद शुरू करेंगे। आप कह रहे हो कि हम किसानों की बहुत बड़ी इमदाद कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। आपने गेहूं के समर्थन मूल्य की कही 2700 रुपए की, आप 1250 रुपए बढ़ा पाए, 2700 नहीं किया। और गेहूं की जो खरीद भी हुई इस साल आपके सामने प्रतिवर्ष का कहा था, एक वर्ष निकल गया। अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आप वो खरीद नहीं कर पाए तो आपका भी नहीं। और अब जो खरीद हुई, तरीका आपका भी नहीं था वेल में आना, तरीका मुझे मत बताओ। अब जो खरीद हुई वो भी पिछले साल के मुकाबले चौथे हिस्से की हुई, दो चार लो, हमने लगभग 20 लाख टन खरीद की, आपने 5 लाख टन ही खरीद की। और बाजरा जो है उसी के लिए एक डिमांड है, आप आश्वस्त कर दे बाजरा खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाए तो भी आप बता दो, हमें तो कोई जबरदस्ती तो ये है नहीं कि भाई हम कोई ट्रैक्टर भर के लेके जा रहे हैं। पर आप अगर घोषणा कर देंगे आज तो राजस्थान का किसान खुश होगा, अच्छी बारिश हो रही है, और इधर सरकार भी बरस जाए तो राम भी राजी और राज भी राजी, किसान की मौज हो जाएगी। मैं तो यही निवेदन करता हूं, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी आंकड़ा गलत बताया, इन्होंने गेहूं में हमने इस साल 12 लाख मैट्रिक टन खरीदा है, जो कि आपने गत वर्ष खरीदा उससे 3 गुना ज्यादा खरीदा, आंकड़े के साथ आना बात करना। बैठिए। परिवर्तित आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 हो गया, और आपने नो अनुदान की मांगों पर विचार मतदान, श्री जाबर सिंह खर्रा, नो हो गया, आ गया विषय, आपका कोई पूरक प्रश्न नहीं है, आपके लिए आपका प्रश्न भी नहीं है। बैठिए बैठिए, बैठना अंकित नहीं है, अंकित नहीं, बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिए, बोल रहे हैं। अरे नो सवाल के समय तो आप क्वेश्चन पूछना, आपका जवाब दिलाऊंगा, बैठिए। नो ये कॉम्पिटिशन नहीं होगा, इस विधानसभा को किसी को अपनी प्रेजेंस रखने का मैं प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय बैठिए, अरे माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य कोई अंकित नहीं रहा अंकित के बिना। बैठिए, माननीय आप तो बोलना शुरू करिए, माननीय मंत्री जी आप अपना रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय आप बोलिए, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89 करोड़ 7 लाख 12 हजार तक
89,07,12,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। दोनों रख दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,66,97,92,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। धन्यवाद। बहस प्रारंभ हो उसके पहले आज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्यों डिमांड ऐसी हैं, तो क्या आज भोजन अवकाश को स्थगित कर दें तो और अपने कंटिन्यू रहे और सबके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है, सब स्वादिष्ट भोजन विपक्ष पक्ष दोनों लोग ले सकेंगे। श्री डिनर की भी करवा दो, लेट वो भी करेंगे, वो भी करेंगे आज। इससे अब एक विधेयक का पुनर्स्थापन है, विधायी कार्य श्री विधेयक का पुनर्स्थापन, राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक 2024। श्री कन्हैयालाल जी चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। आप इसको पुनः स्थापित करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक्ष जीता विधेयक को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनः स्थापित भी करेंगे, एक बार इसको उसके पुनः स्थापित भी करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूं। अब इस पे अपन बहस शुरू करते हैं। श्री उदयपुर के अंदर एक एससी के शिक्षक को तलवार से गला काट दिया गया रात को और स्थिति वहां गंभीर बनी हुई है, परिवार की कोई मदद हुई नहीं है, एक घंटे बाद तो पुलिस पहुंची है, ऐसी स्थिति प्रदेश की है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार संज्ञान ले और उस परिवार की मदद करे, आरोपियों को तुरंत पकड़े। और एक छोटा सा आग्रह आपसे भी है, वो एक छोटी सी व्यवस्था आपने दी थी जो उस दिन का वक्तव्य था, उस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाए। जो परसों हमने क्वेश्चन उठाया था गृह राज्य मंत्री के लिए, तो उसमें सरकार की तरफ से जवाब आना था, वो जवाब अभी आया नहीं है। श्री श्रीचंद कृपलानी, अब हो गया पहले स्लिप भेजो, काय की इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, ऐसा तो जो खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं, पहले स्लिप भेजो फिर मैं अनुमति दे दूंगा, ऐसा नहीं। हाँ, श्रीचंद कृपलानी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों से जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार